खबर सोनभद्र से। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के तहत कंपोजिट विद्यालय के पाल लैब से बच्चों को मिल रहा लाभ। टैबलेट से पढ़ाई करने को लेकर छात्र छात्राओं में दिख रही रुचि। दुद्दी, सोनभद्र। सरकार स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लगातार प्रयासरत में है। नीति आयोग द्वारा सोनभद्र को पिछड़े जनपदों की सूची में शामिल करने के बाद आकांक्षी जनपद के रूप में लगातार काम किए जा रहे हैं, ताकि सोनभद्र जनपद के बच्चों की उपस्थिति शत प्रतिशत हो सके और शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। शिक्षा सत्र 2023 और 2024 की शुरुआत से ही सोनभद्र में बच्चों की हाईटेक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की पहल पर कई स्कूलों को कन्वे जीनियस पाल लैब से संतृप्त करने की पहल की गई, जिसमें दुद्दी ब्लॉक के 9 स्कूलों का चयन किया गया। दुद्दी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय दुद्दी, दिघुल, मझौली, कादल, विंडमगंज, केवाल, जोरू खाड डीएच, गुलालझरिया तथा रजखद शामिल है। इन सभी विद्यालयों में 50-50 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जहां ऑनलाइन कोर्स बच्चे पढ़ रहे हैं। इन पाल लैब में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। पाल लैब की देखरेख के लिए फील्ड अफसर के रूप में विष्णु दयाल यादव व विशाल कुमार को जिम्मेदारी दी गई है, जो अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देखे जा रहे हैं। शुक्रवार को कंपोजिट विद्यालय दुद्दी में करीब 40-50 बच्चे टैबलेट से पढ़ते नजर आए, जो सरकार की इस पहल से काफी खुश नजर आए। कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश व सहायक अध्यापक तत्सत तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि कमवे जीनियस द्वारा 50 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे बच्चों को शेड्यूल के अनुसार पढ़ाया जाता है। इससे बच्चे अपने अपने कक्षा का ऑनलाइन कोर्स पढ़ाते हैं, जिससे कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को दोहराने और देखने का मौका मिलता है। खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र मौर्य ने बताया कि दुद्दी ब्लॉक क्षेत्र के 9 स्कूलों में टैबलेट कक्षा कक्ष की स्थापना की गई है, जहां बच्चों के लिए 50-50 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। इस टैबलेट के माध्यम से बच्चे शेड्यूल के अनुसार विषय पढ़ते हैं। स्टार 7 लाइव से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मतलब और फिर जो जिस टाइम में साइंस, मैथ और हिंदी पढ़ाया जाता है, तो इसमें वीडियोस भी आते हैं, ऐसे टेस्ट भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, सारा हम लोग सॉल्व करते हैं। जिसको जो भी समझ में आता है वो टीचर्स के पास जाते हैं, वो टीचर्स बताते हैं। तो ये जो आप गवर्नमेंट की पहल है कि बच्चों को ये सुविधा मिले, टेक्नोलॉजी पढ़ाई हो, तो इस पहल को क्या कहते हैं, कैसे कर, मतलब सरकारी जो पहल है कैसा है, अच्छा है या फिर क्या कहना है? बहुत अच्छा। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जो आदिवासी दूर क्षेत्र में हैं? वो भी स्कूल में एडमिशन लें, गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में आके एडमिशन लें, और जो नहीं ले पा रहे हैं वो दूसरे, मतलब जो टीचर्स हैं वो भी जाके हेल्प करें उनको एडमिशन लेने में। इसमें कोई दिक्कत आता है तो कैसे समस्या सॉल्व होती है? पढ़ाई करते हैं और यहाँ स्ट्रेंथ 50-50 का है। हम लोग अपने क्लासेस में भी पढ़ाई करते हैं और यहाँ टैबलेट रूम में भी आकर पढ़ाई करते हैं। हिंदी, मैथ, साइंस हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है टैबलेट में भी, और बहुत कुछ समझ में भी आता है, और पढ़ाई घर पे भी हो जाता है, घर पे भी कर लेते हैं, और हमारे टीचर्स का ये सब में पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इससे काफी बेनिफिट है। गवर्नमेंट, चूंकि आप लोगों को ये गवर्नमेंट स्कूल है, यस सर, तो ये एक उपहार के रूप में आप लोगों को जो मिला है, yes, sir. तो इसका कितना बेनिफिट मिल रहा है? सर, इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमें अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन करके, और हम लोग टैबलेट से पढ़ सकते हैं, हर चीज को जानते हैं, छोटी से छोटी बात को जो नहीं समझ में आता है इसमें टेस्ट भी देते हैं और अपने से पढ़ाई भी करते हैं। बहुत अच्छा है हमारे लिए ये टैबलेट। तो जैसे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत होता है, तो कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है? सर, इसमें वीडियोस आते हैं और उससे सॉल्यूशन मिलता है, वीडियो में समझाया जाता है कि इसको हम नहीं किया तो और किस कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या इसे टीचर के द्वारा टीच किया जाता है, बताया जाता है, या फिर सेल्फ अप्रूव? सर, इसमें टीचर्स भी हेल्प करते हैं और सेल्फ भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। सर, ये कंपोजिट विद्यालय है, यहाँ पाल लैब चल रहा है, क्या है पाल लैब, कैसे लाभ मिल रहा है बच्चों को इसका? सर, ये देखिए, जो पाल लैब हमारे यहाँ है, ये आकांक्षी जनपदों के लिए कन्वे जीनियस नाम की एक संस्था है, उनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है, और हमारे विद्यालय कंपोजिट है दुद्दी में ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए तो बच्चे हमारे जो क्लासरूम में चीज़ें पढ़ते हैं,
क्लासरूम की चीजों को जब बच्चे खुद से करते हैं उसको ऑडियो विजुअल माध्यम से, बच्चों को हमने कोई चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं बच्चे उसको बच्चे अपने हिसाब से जब करते हैं, उनको नए नए तरीकों से प्रश्न आता है उनके सामने, तो उसका उत्तर जब वो अपने ढंग से देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसमें और इसमें बहुत ज्यादा जो है अंतर देखने को मिल रहा है। हम लोग के लिए फायदेमंद इस तरीके से है सर कि मान लीजिए हमने बच्चों को दिया तो बच्चों को चीजों को करना आया, बच्चों ने कंप्यूटर या टैबलेट को चलाना सीखा, हम कैसे उससे स्टार्ट करते हैं, कैसे चीजों को हम आगे बढ़ा के ले जाते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। कभी कभी ये होता है कि यदि टीचर्स इनकेस नहीं है हमारे पास, टीचर छुट्टी पर है, तो हमारा एक सबसे बड़ा जो सब्स्टिट्यूट हो जाता है टीचर का, टीचर नहीं भी है तो हम उस पर चले गए, हमने बच्चों को सारी चीजें सिखा दी, बच्चे अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, बीच बीच में हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है सर, और ये पर्सनलाइज एंड एडाप्टिव लर्निंग इसका फुल फॉर्म है कि बच्चे खुद से जितना कर सकते हैं बेहतर, बच्चे उतना बेहतर खुद से जाकर चीजों को कर पा रहे हैं सर।